है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस के इस खुलासे पर सवाल उठने लगे हैं। बसपा के नेताओं ने अपर पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देते हुए हत्याकांड के गलत खुलासे की बात कही। बहुजन समाजवादी पार्टी के मंडल कोऑर्डिनेटर दीपक पेंटर और जिला अध्यक्ष राम नरेश वर्मा के साथ दर्जनों की संख्या में मृतक दुर्गेश जाटव के गांव के लोग और परिवार के लोग गुरुवार को अपर पुलिस अधीक्षक से मिले। यहां उन्होंने कुसमरा पुलिस द्वारा किए गए इस खुलासे को संदिग्ध बताया है। पुलिस ने जो खुलासा किया है वह सही नहीं है। पुलिस ने FIR भी अपने तरीके से ही दर्ज कराई है। जिन लोगों से पूछताछ पुलिस को करनी चाहिए थी उन लोगों से पुलिस ने पूछताछ नहीं की। वहीं बसपा के नेताओं ने अपर पुलिस अधीक्षक से हत्याकांड में सही दोषियों को जेल भेजे जाने की मांग की है। देखिए कल दिनांक 4 तारीख को यानी 3 तारीख की रात को, 3 तारीख रात को ये घटना हुई है। मैनपुरी जनपद के थाना किसनी के अंतर्गत एक गांव आता है हिरोली, वहां एक 25 वर्ष का लगभग एक नवयुवक था दुर्गेश जाटव सनप श्री विश्वनाथ जाटव, जिसकी वहाँ कुछ लोगों ने निर्मम तरीके से हत्या कर दी। पुलिस ने पीड़ित परिवार के लोगों को थाने में बुला करके और गुमराह करके कि आपका पंचनामा भरा जाएगा, स्वयं तहरीर लिख ली थाने के अंदर अपराधियों को, मुख्य अपराधियों को बचाने के लिए, और पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिला। फॉर्मेलिटी के तौर पर एक शेड्यूल कास्ट का एक नट समाज के व्यक्ति को ही पूरा आरोपी बना करके जेल भेज दिया है, और उसमें जो बड़े बड़े लोग हैं जिनका उस मर्डर में हाथ है उसको बचाने का पूरा पुलिस ने षड्यंत्र वहाँ किया है, जिसमें CO प्रियांक जैन भोगांव शामिल हैं। उन्होंने अपने नेतृत्व में वहाँ अपराधियों को बचाने का पूरा प्रयास किया है। हम लोग मांग करते हैं कप्तान साहब से कि इसमें निष्पक्ष तरीके से जाँच की जाए, और जो भी लोग इस जघन्य हत्या में शामिल हैं उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए, ऐसी हम लोग बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मांग करते हैं। अध्यक्ष जी, जो पुलिस ने जो खुलासा किया है क्या उससे आप संतुष्ट नहीं? बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, पीड़ित पक्ष संतुष्ट नहीं है और हम लोग भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वहाँ उसमें जो मुख्य आरोपी हैं जिनका बहुत बड़ा हाथ है, एक व्यक्ति किसी का मर्डर नहीं कर सकता है, उनको बचाया जाने का पूरा प्रयास पुलिस कर रही है। वहाँ पीड़ित लोग बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है और इसमें निष्पक्ष तरीके से जाँच की जाए, बड़े अधिकारियों के संज्ञान में ला करके उस तरीके जांच की जाए। थाना अंतर्गत ग्राम हिरोली है, यहाँ दुर्गेश जाटव की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने थाने में इनके परिवारजनों को बुला के पंचनामा के नाम पर ये कहा था कि आपको पंचनामा भरा जाएगा, और यहाँ तहरीर इन्होंने अपने हाथ से पुलिस ने खुद लिखवाई, इनके दस्तखत करवा लिए, और जबकि एक आरोपी तो वहीं मौके पकड़ गया था। इससे पहले गाँव के लोगों ने बताया है कि वहाँ जो जो नट पकड़ा गया है ये भूरा, इसने यहाँ गांव में इससे पहले एक दावत चली थी किसी के यहाँ, पुलिस को पूरा का इसके शामिल है, पुलिस को पूरी बात मालूम है, और पुलिस ने झूठा ब्लेम लगा के कि ये इसमें लड़की के मामले में प्रेम प्रसंग चलते थे इसकी हत्या की गई है, जबकि ऐसे कोई बात नहीं। पूरे गांव के लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, पूरे गाँव कह रहे हैं वो नहायत सीधा लड़का था, उसके किसी भी लड़की से कोई संबंध नहीं थी। पुलिस इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी जो हैं उन्हें बचाने का पूरा प्रयास कर रही है, और जबकि ये जो वहाँ चौकी इंचार्ज हैं विजय कुमार चंदेल, इससे पहले भी वहाँ कुसमरा चौकी इंचार्ज रहे थे और तब भी वहाँ दलितों के साथ उत्पीड़न हुआ था, जिसकी हम लोगों ने राजेश है जो पुलिस अधीक्षक थे उनसे शिकायत की थी, तब उन्होंने इनको हटाया था, और आज चंदेल फिर द्वारा पहुँच गए हैं और फिर जातकों के साथ ये घटनाएं होने लगी हैं। जब तक विजय चंदेल रहेंगे तब तक निष्पक्ष कार्रवाई होने का मतलब नहीं है। अगर आपको जानना है मैनपुरी की छोटी बड़ी खबर का हाल तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को